क्या हुआ इसको, क्या हुआ है? सोए कैसे, क्या उधर मम्मी? तो तुम सब बाहर क्या कर रहे थे? हम खेल रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? हाँ नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। तो गाइज आज है जो हम काफ़ी परेशानी में थे, तो कोई किसी भी तरह का व्लॉग नहीं बना पाए। तो आज मैं पूरी डिटेल बताता हूँ कि आज हमारे साथ क्या हुआ और हमने क्या क्या किया, जो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो गाइज क्या हुआ कि सुबह प्रिया की तबीयत सही नहीं थी, तो हम सब गए हॉस्पिटल। वहाँ पर इनका जो खून का जाँच वगैरह हुआ है, और वो जाँच वगैरह करके जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से इनको दवाई दी गई। तो चलो देख लो पहले आप कि इनको है जो वहाँ पर किस टाइप से इंजेक्शन लगाकर ब्लड लिया और इनका क्या रिएक्शन था, वो सब आप देख सकते हैं। तो पहले ये एक बार देख लो क्लिप, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हम आगे हैं, इनके खून की जांच की जाएगी। बुखार आ रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, इसीलिए अभी खून की जाँच की जाएगी। सामने देख, ये खून की जांच कराने के बाद इनको रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट हमने जो डॉक्टर को दिखा दी, डॉक्टर को दिखाने के बाद डॉक्टर ने उसके हिसाब से दवाई वगैरह दी और दवाई ली। तो पहले तो ये बहुत डर गए थे कि भाई यार आज क्या होने वाला है यार, ये जो खून ले लिया इतना सारा, मेरा शरीर कमज़ोर हो गया, ऑलरेडी कमज़ोर हो रहा और कमज़ोर हो जाएगी। गाइज अभी हम प्रिया का है जो अंदर वो खून दे के आ गए हैं ब्लड टेस्ट के लिए। कैसा लगा, मज़ा आया? चक्कर आ रहा है इसको गाइज। अभी इनकी तबीयत दो तीन दिन से सही नहीं है, तो फिर आज इनको मैं लेके आ गया हॉस्पिटल। ये सही हॉस्पिटल है हमारा यहाँ, तो मैं वहाँ लेके आ गया इनको। और अभी डॉक्टर ने बोले एक फीवर आ रहा है, दो तीन जांच है तो जांच करनी पड़ेगी, जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस वजह से फीवर है। तो ब्लड ले दिया हमने, और अभी हम यहाँ आकर वेट करें घंटा डेढ़ घंटे के बोला, एक डेढ़ घंटे में जब रिपोर्ट आ जाएगी तो वापस डॉक्टर से दिखा कर फिर घर जाएंगे। तो उसके बाद दवाई वगैरह ले ली और रिपोर्ट वगैरह डॉक्टर को दिखाई, इसके बाद हमने जो वहाँ से हम निकल गए। तो गाइस रास्ते में क्या है कि आपको पता है हमारे इधर का रोड है जो बहुत ही ख़राब है, गड्ढे वगैरह है और धूल मिट्टी वगैरह उड़ती रहती है। तो वहाँ से गाइस क्या है कि आँखों में धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा गिरती है। तो फिर हमने क्या किया, रास्ते में एक चश्मे भेजने वाला था, तो वहाँ हम रुके, तो काफ़ी चश्मे मैंने पसंद भी किया, तो मेरे को पसंद नहीं आया, एक चश्मा पसंद आया। तो देख लो मैं किस टाइप से चश्मे पसंद कर रहा हूँ और चश्मे ले रहा हूँ, वो एक बार आप देख लो। हम यहाँ पर आ गए हैं और क्या है कि यहाँ पर जो कचरा बहुत, धूल मिट्टी बहुत उड़ती है, तो हमने सोचा कि अपने लिए एक चश्मा खरीद ले। चश्मा हमें पसंद नहीं आ रहा, इसलिए प्रिया पसंद कर रही है। तो ये चश्मा हमारे ऊपर कैसा लग रहा है कमेंट में आप ज़रूर बताना। और हम देख रहे हैं अच्छे से अच्छा इतने सारे चश्मे लगे हुए हैं, इसमें से अच्छा कौन सा वो मुझे थोड़ा कमेंट में आप बताओ। खैर आप कमेंट में बताओगे तब तक तो मैं ये चश्मा लेकर निकल चुका होगा। तो ये वाला चश्मा कैसा लग रहा है, मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है, बट क्या है कि इसमें रिफ्लेक्शन ऐसा पड़ रहा है कि ये मिरर का काम करेगा, कोई भी बंदा रोक कर मेरे को रोक कर अपने बाल संवारना शुरू कर देगा, इसलिए लग तो ठीक रहा है। मैं सोच रहा हूँ यही चश्मा ले लेता हूँ, लेकिन इसमें आप देख सकते हैं मैं किससे ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, वो भी आपको दिख रहा हूँ। अब हमारी ये चश्मे की खरीदारी हो गई, इससे इसके बाद क्या है कि गाइस मेरे पास फ़ोन भी आ गया था कि बच्चों का स्कूल का छुट्टी हो गया, तो मैं फटाफट से वहाँ खरीदारी की और नहीं की जैसे दे सकते, चश्मा जैसा था वो मैंने ले लिया। फिर वहाँ से मैं सीधा आ गया बच्चों के स्कूल में, क्योंकि बच्चों का स्कूल का छुट्टी भी हो गया तो मुझे जल्दी जल्दी आना पड़ा। और आकर मैंने फिर वहाँ से बच्चों को, जो स्कूल का छुट्टी हो गया तो बच्चों को लेकर मैं सीधा अपने घर आया। अभी क्या है कि प्रिया की जाँच वगैरह करवाई ब्लड की, तो हमें वहाँ काफ़ी टाइम लगा, और अभी हम ये वाला चश्मा लिया है। और इधर बच्चों का भी छुट्टी हो गया तो बच्चों को भी लेना आ गया स्कूल, तो डिम्पल वगैरह को मैंने ले लिया अपने साथ और इन सब को अब मैं घर लेके जा रहा हूँ। बच्चों को घर छोड़ने के बाद गाइज मैं सीधा गया फैक्ट्री, काफ़ी आज देर हो गया था, काम था,
तो बहुत लेट हो गया था मैं, तो फटाफट शनिवार भी था तो मैं फटाफट गया और ऑफिस का काम करके शाम को घर आता हूँ, देखता हूँ कि प्रिया की हालत तो वापस से ख़राब है। क्या हुआ इसको, क्या हुआ, सोए कैसे, क्या हो तेरे मम्मी, तो तुम सब बाहर क्या कर रहे थे, हम खेल रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ, हाँ। तो फाइनली गाइज मैं घर आ चुका हूँ और यहाँ बैठा, सोचा कि आपसे बातें कर लूँ, लेकिन आज की जो कंडीशन है वो देख लीजिए। अभी प्रिया जो चाय बना के लाई है वो चाय ये मेरे को दे दी गाइज, ये देखिए आप भी चाय पी सकते हैं। हमारा क्या है कि अब रेगुलर का काम बन गया शाम को चाय पीना। मैं आपको दिखा देता हूँ गाइज, ये देखिए मेरी चाय आएगी और वो देखिए वो कैसे किस टाइप से पी रही, देखो देखो आप देख सकते हैं इसकी हालत, देखो राली ओढ़ के सोई हुई गाइज राली। अब इतनी तबीयत खराब थोड़ी ना यार, आपको लग रहा है कमेंट में बताना इसकी तबीयत खराब है। राली देखो कुदरी है, गोदरी उठ के बैठी है और चाय पी रही है, इतनी तबीयत खराब थोड़ी है। अगर इनकी इतनी तबीयत खराब है तो आपको सकल से ही पता चल जाएगा, आप कमेंट में बताना मुझे कि कैसी है, फ़र्क पड़ा है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तबीयत अब नॉर्मल है, दिन भर दवाई वगैरह मैं देके गया था तो उससे फ़र्क पड़े। और वो देखो वो कार्टून्स क्या करे सब पड़े करे। तो गाइज मिलते हैं एक नेक्स्ट फेस व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और इसी प्रकार प्यार और सपोर्ट दिखाते रहना। और फटाफट से यार 1K कंप्लीट करवा दो बस, मुझे और कुछ नहीं, फटाफट से 1K कंप्लीट हो जाए मज़ा आ जाएगा। बाय।